हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमिन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कार्मिक यौगिक जिनमें एमिन क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित रहता है, उसका आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो आइए देखते हैं एमिन। एमिन फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं इसका। पहले फंक्शनल ग्रुप जब लिखते हैं इसका, फंक्शनल ग्रुप, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NH2, या इसको लिख सकते हैं RNH2। एमिन प्राप्त कैसे होता है, क्योंकि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल जो होता है अमोनिया, ठीक ना, उसका एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, हटा देते हैं। कोई भी एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, हटा देते हैं। एक हाइड्रोजन को हटा के किसी एल्किल ग्रुप से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, किसी एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। तो जो रिजल्ट आता है वो बनता है क्या, RNH2। इसे एमिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिन कहते हैं। तो इनका नाम कैसे लिखा जाता है, एमिन का नाम लिखना होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अल्केन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अल्केन। अल्केन बनाने के बाद ई को हटा देते हैं और एमाइन उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, एमाइन उसमें जोड़ देते हैं। तो इसका नाम हो जाता है अल्केन एमाइन, अल्केन एमाइन। इसका जो नाम आ जाता है वो क्या आता है, अल्केन एमाइन, ठीक ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जब इसका करते हैं हम, तो जैसे लिखा है CH3CH2NH2, ठीक ना। कितना कार्बन है, दो कार्बन, दो कार्बन का अल्केन बनाइए, अल्केन बनाएंगे क्या बनेगा, एथेन। ई को हटाइए, क्या जोड़ेंगे, एमाइन, ठीक ना। तो इसका नाम निकल के क्या आएगा, एथेन एमाइन। क्या बनेगा, एथेन एमाइन, इसका नाम आ गया, ठीक ना। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CH3CH2CH2NH2, कितना कार्बन है, तीन, तीन कार्बन का अल्केन बनाइए, अल्केन जब बनाएंगे क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। ई को हटा दीजिए, एमाइन को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। जब एमाइन को ऐड कर देंगे तो इसका नाम आ जाएगा प्रोपेन एमाइन। क्या नाम आ जाएगा, प्रोपेन एमाइन, इसका नाम आ जाएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल अगर इस तरह से दिया हो, ठीक ना, कुछ इस तरह से दिया हो एग्जाम्पल, तब उसका नाम कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो एग्जाम्पल, आपके पास ऐसे दिया हो CH3CH2CH CH3 और इसके ऊपर दिया हो NH2, ठीक ना। तो इसका नाम लिखेंगे, पहले नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, नंबरिंग हो गया, ठीक ना। दो नंबर पे है, किस नंबर पे है, दो नंबर पे, तो 2 लिख लीजिए, हाइफन लगा लीजिए, हाइफन लगा गिन लीजिए कितने कार्बन है, चार, चार कार्बन को अल्केन बना लीजिए, चार कार्बन का अल्केन क्या बनेगा, ब्यूटेन। उसमें से ई को क्या करना है, हटा देना है, क्या जोड़ना है, एमाइन। तो इसका नाम हो गया 2-ब्यूटेन एमाइन। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल इस तरह से दे दे, जैसे दे दे CH3N दे दे, CH3 दे दे और यहाँ पे H लिखा हो, तो इसका नाम जब लिखना होगा तो एक को लिखेंगे, N के साथ जुड़ा है तो लिखेंगे N, और उसके बाद क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका बनाएंगे अल्केन, तो अल्केन बनाएंगे तो हो जाएगा मेथेन। और इसको ई को क्या करेंगे, हटा देंगे, ई एम आई यानी क्या करेंगे, जोड़ देंगे।